हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज हमारी शादी की सालगिरह थी 6 फरवरी को। शादी को 6 फरवरी 2023 को पूरे पूरे 16 साल पूरे हो चुके हैं और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल भी थे इस दिन। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है सुंदर सुंदर फूलों के साथ। ये फूल गोरखनाथ मंदिर के हैं, तो सबसे पहले जो घर के काम होते हैं उनको निपटाया। जैसे घर के काम आप टोटली समझ ही सकते होंगे, हाउसवाइफ की झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों का टिफिन बनाना वगैरह वगैरह। और उसके बाद ये क्लिप 5 फरवरी की है, गए थे थ्रेडिंग बनवाने, तो वहाँ पे मेहंदी भी लगाई जा रही थी। तो हमने सोचा 5 फरवरी को मुझे मेहंदी लगी थी, शादी के एक दिन पहले मेहंदी लगती है ना, तो मेरा मन हुआ कि चलो आज मेहंदी लगवा लेते हैं। तो मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा ली है और इतनी अच्छी रची थी, इतनी अच्छी रची थी मतलब इतनी डार्क आई थी कि बहुत ही सुंदर रची भी थी, मोटी मोटी हमने इसीलिए रचवाई थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, हम हाथ में मेहंदी लग गई तो कुछ वीडियो की शूटिंग 5 को हुई नहीं, 6 की मॉर्निंग की शूटिंग है। ये झाड़ू पोछा हो चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सारे घर के काम हो चुके हैं, टिफिन उफिन बना के बच्चों बच्चों को स्कूल भेज दिया है और हस्बैंड भी ऑफिस निकल चुके हैं और अब हम पूजा कर रहे हैं, तैयार हो चुके थे। अच्छा, तैयार होके मंदिर में पूजा करके मुझे भी मंदिर निकलना था, लेकिन इनका ऑफिस से अचानक से फ़ोन आया कि आ जाइए आप, आज 8 बजे 8:30 बजे ही ऑफिस आना था। अचानक से प्रोग्राम बन जाता है, मतलब मेरा प्रोग्राम कुछ अलग ही बना होता है, इनका कुछ अलग ही बन जाता है। तो हालांकि अब तैयार हो ही गए थे तो हमने सोचा आज हमने साड़ी पहन ली है तो पूरे दिन आज हम साड़ी ही बांध के रखेंगे। ये देखिए मेहंदी कितनी अच्छी रची थी, चूड़ियाँ नहीं पहनी, अंगूठी नहीं पहनी। एक तो ना मेरे हाथ वाथ इतने ढीले हो गए हैं, चूड़ियाँ मतलब बहुत ही ढीली होती हैं, अंगूठियाँ भी एकदम हाथ से निकल जाती हैं, तो ये 2 अंगूठियाँ निकाल के बाहर रखते हैं, ऐसे गिर सी जाती हैं, तो कभी कभार पहन लेते हैं। अभी चूड़ी नहीं पहनी है, पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे ये भी नहीं पता है। होता है ना कि जैसे थोड़ी देर तक के लिए बाहर जाना होता है, फिर तुरंत आओ घर के काम हो जाते हैं। तो बस आए ऑफिस से, ऑफिस में जो भी उनका काम था निपटाया, बोल के आए 1 घंटे में आते हैं और हम दोनों गोरखनाथ मंदिर के लिए निकल चुके हैं। वैसे तो आना जाना होता नहीं, आप लोग समझ ही सकते होंगे, घर के भरम जाल इतने सारे होते हैं, काम होते हैं, तो कहाँ निकलना पॉसिबल हो जाता है। जबकि गोरखनाथ मंदिर मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, मतलब 10 मिनट में आप मंदिर पहुँच जाएंगे। और हम और पांडे जी मंदिर पहुंच चुके हैं, हमने सोचा चलो भाई आशीर्वाद ले आते हैं ताकि पूरा एक साल, मतलब पूरा एक साल क्या, मतलब हर बार जब भी शादी की सालगिरह है हर साल इसी तरीके से खुशियों भरी हम सबकी जीवन रहे, मंगलमय हो, ऐसा बाबा से प्रार्थना करते हैं जाके। और यहाँ पे सबसे पहले लड्डू लिया, जो भी आपको पसंद आए वो लड्डू ले लें, और यहाँ से फूल माला भी लिया। और आजकल ना मंदिर में खिचड़ी मेला चल रहा है, जो खिचड़ी मेला द्वारा 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक लगता है। अच्छा, मंदिर हम अकेले गए थे, ये साइड में बगल में चल रही है ना, शायद ये भी दर्शन करने के लिए आई थी। हाँ, 7 बच्चे नहीं गए थे, बच्चों का स्कूल था, बोला था कि बच्चे भी रुक जाए, अच्छा हुआ बच्चे नहीं रुके, क्योंकि पता भी नहीं था जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पहले से कोई कन्फर्म होता नहीं, कन्फर्म भी करके क्या करना कि अचानक से इनका ऑफिस से फ़ोन आ जाता है कि आ जाइए ड्यूटी। तो फिर ड्यूटी वाले जिसके हस्बैंड होते हैं ना, उनकी पत्नियों का यही होता है कि उनका प्रोग्राम पिक्चर और घूमने जाने का बनता है और अचानक से ऑफिस से फ़ोन आ जाता है कि आपको ऑफिस आना है। तो बस मंदिर पहुंच चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है मुझे ना, मंदिर मेला वाला जाते हैं ना तो कुछ खरीदने वरीदने की नहीं होती है तलब, बस ये होता है कि मंदिर में एक पॉजिटिविटी होती है, मतलब जैसे मंदिर में हम पहुंच जाते हैं ना, मतलब इतना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और एक ऊर्जा सी प्राप्त हो जाती है ना मंदिर में पहुंचते ही, मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बहुत ही कहे सुने पे यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने शूट किया, स्लो मोशन में हमने लगा दिया। तो हमने कहा कम से कम थोड़ा सा ही बना दीजिए, एक फ़ोटो ही खींच दीजिए, एक भी साथ में फ़ोटो नहीं खिंचवाए, इतनी ज़्यादा इनको जल्दी थी ऑफिस जाने की। और यहाँ पे ये इतने सुंदर सुंदर फूल लगाए गए थे ना, आजकल खिचड़ी मेला चल रहा है इसलिए मंदिर की मतलब बहुत अच्छे से सजावट भी हुई है खिचड़ी मेला की। और दूसरी चीज़ ना, फूल उल ठंड के मौसम में बहुत अच्छे अच्छे खिले थे, तो हमने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। मंदिर में दर्शन हो गया, ज़्यादा वीडियो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पद्देव जी को रही देर, चिल्लाने लग जाते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी चलो। तो मेरे हाथ में जितना मतलब मुझसे बन पाया, मेरे हाथ में कैमरा जितना था, मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को दिखाने की। और हाँ, जो कुछ मतलब मंदिर में दर्शन वर्शन करने गए थे ना, गौरी वाले ब्लॉग में 30 नवंबर को जो ब्लॉग बना के डाला था गौरी का बर्थडे वाला, उसमें हमने ऐड किया। देखिए इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत सारे सामान भी मेला में मिल रहे थे लेकिन मुझे लेना तो कुछ था नहीं, पहले से ही
सिर्फ एक बेलन लिया था, और बेलन क्योंकि हमारा बेलन जल गया था। चलिए अब बातें करते हैं, प्रसाद ले लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। ऐसा कोई मानता उनता था नहीं, तो मैंने 1.25 पाव प्रसाद चढ़ा दिया था। और गणेश आके यहाँ पे 1 किलो मिठाई लीजिए, ये मेरी फेवरेट मिठाई है छेना, जो कि मुझे बहुत पसंद आती है। मतलब गणेश की आप कोई भी मिठाई खा लो, बहुत अच्छी होती होती है, चाहे लड्डू खा लो, चाहे पेड़ा पेड़ा बर्फी, जो भी आपको पसंद है। तो मुझे ये वाली मिठाई पसंद आती है, आप लोग भी खा लीजिए, वरना आप लोग कहेंगे कि प्रतिमा ने पूछा नहीं एनिवर्सरी फिर मिठाई। तो सबसे पहले आप लोग पूरा डिब्बा खोल लिया है, खा लीजिए। और उसके बाद ये दोपहर के अभी बज चुके हैं, 2:30 बजे स्कूल से आ चुके हैं, तो पूड़ी सब्जी बनाई थी सुबह के टाइम में, और मुझे भूख लगी थी, मैंने खाना खाया ही नहीं आज पूरा दिन। दोपहर के 11-12 बज गए थे आते आते, शाम को भूख लगी तो ये अंगूर रखे थे उसको खा लिया। उसके बाद बर्तन बर्तन धुला, टिफिन उफिन साफ की, किचन साफ़ सफाई किया पूड़ी सब्जी बनाने के बाद, और यहाँ पे तैयारी कर दी है शाम की खाना बनाने की। शाम में पाव भाजी बनेगा, पनीर पूछ रहे थे पनीर बनाओगे, तो हमने कहा अभी 2-3 दिन पहले पनीर बना था, ऐसा करते हैं पाव भाजी बना देते हैं। तो यहाँ पर पाव भाजी के लिए ढेर सारी सब्जियाँ, आलू गोभी मटर और गाजर आलू चुकंदर ये सब काट लिया है, और थोड़ी सी मटर भी धुल के डाल दे रहे हैं। झटपट हमारा बन के तैयार हो जाएगा, तो इसको हम चढ़ा देते हैं गैस पे, थोड़ा सा पानी डाल के, चाहे तो आप हल्दी नमक डाल दें, चाहे बिना हल्दी नमक ही के ही पका लें। और हाथ में जब मेहंदी लगी रहती है ना, तो इतना सुंदर हाथ लगता है। हाँ 2-3 दिन अच्छी लगती है मेहंदी, लेकिन जैसे उतरने लगती है हाथों की मेहंदी ना, तो फिर ऐसे अजीब सी लगती है, लेकिन जब हाथ में मेहंदी रच जाती है या डार्क कलर आ जाता है ना, तो बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर अदरक लहसुन हरी मिर्ची को कूट लिया है खलबट्टे में, और यहाँ पे प्याज को चॉपर में चॉप कर लेंगे, शिमला मिर्च को चॉपर में चॉप कर लेंगे, और टमाटर को भी चॉपर में चॉप कर लेंगे। ये बारीक हो जाएंगी तो ये तड़का लगाने के लिए तैयार हो जाएंगी। एक शिमला मिर्च लिया है, 2 टमाटर लिया है, प्याज भी हमने 2 ही लिए है। अदरक लहसुन को कूट लीजिए या फिर चॉपर से चॉप कर लीजिए, या फिर आप उसका पेस्ट भी बना लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे आप अपने अनुसार बना सकते हैं। ये कोई रेसिपी ऐसे नहीं शेयर कर रहे थे, फिर ये हुआ कि चलो थोड़ा बहुत झटपट से आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और ये हमारा सब्जी जो है ना, 3-4 सीटी में अच्छे से पक चुका था, तो इसको मैसर से मैश कर देते हैं। हालांकि मैसर से ना जो चुकंदर था बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं ये हार्ड होता है चुकंदर, इसलिए नहीं ये मैश हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल डाला है, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी क्या कहते हैं मक्खन डाला था, अभी मक्खन थोड़ा ही डाला है। उसके बाद अभी थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे जब बन जाएगा, प्याज डाला है, और प्याज डालने के साथ साथ यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्ची का जो पेस्ट था उसको भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसको अच्छे से पकने देते हैं। पहले अच्छे से पका लेंगे प्याज अदरक लहसुन को, उसके बाद इसमें सारी सब्जियाँ ऐड कर देंगे, जैसे शिमला मिर्च ऐड कर दी है, इसको भी 1-2 मिनट तक भूनेंगे, और इसको भूनने के बाद टमाटर ऐड कर देंगे। पहले सारी सब्जियों को आपको ना थोड़ी थोड़ी देर तक अच्छे से भून लेना है, तो स्वाद के अनुसार हमने नमक भी डाल दिया था ताकि सब्जियाँ अच्छे से गल जाए। साथ में जो टमाटर को चॉप किया था उसको ऐड कर दिया, इन सबको अच्छे से भूनेंगे। साथ में मसाला डालेंगे, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है कलर के लिए, और यहाँ पर पाव भाजी मसाला, सारा सामान ना अंदाज से ही डाल दे रहे हैं, चम्मच उम्मच नहीं, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी थी। जब घर में ऐसे कुछ होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा होता है ना, घर में शांति रहे, कोई काम कर दे और फिर मैं बैठे बैठे देखती रहूँ, ऐसा होता है मुझे। काम करने का आजकल पता नहीं क्या हुआ है, इतना ज़्यादा आलस लग रहा है, इतना ज़्यादा आलस लग रहा है, ना ही कुकिंग करने का मन हो रहा है, ना ही वॉक करने जाने का मन हो रहा है, ना घर से बाहर निकलने का मन हो रहा है। ये होता है ना, बस बिस्तर में पड़ी रहूँ, बस थोड़ा बहुत जूस पसावन मिलता रहे पीती रहूँ, खाती रहूँ बस। और यहाँ पर पाव भाजी में आप अपने अनुसार गाढ़ा पतला जैसा पसंद करते हैं पानी ऐड कर दीजिए, और इसको अच्छे से मैसर से मैश कर दीजिए, जितना आप पतला खाना चाहते हैं, बस इसको अच्छे से पका लीजिए, पकाइए खूब अच्छा। और दूसरी चीज़ ना, आप इसमें गर्म पानी, खौलता हुआ पानी नहीं डालें, नहीं तो ये कच्चापन जाएगा नहीं। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दें, और चाहे तो आप इसी समय इसमें डाल दीजिए। Happy anniversary to you. अरे केक तो लगा दो। अरे घुटने पे दो। अरे घुटने पे दो यार। अरे वाह, इसे कहते हैं एनिवर्सरी। मम्मी रोई रही, पापा मम्मी रोई रही, हाँ कसम से रोई रही। हो गया बंद करें। बहुत
जब हमारे लिए कुछ स्पेशल होता है ना, जैसे मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि पूछो मत। जैसे हमारे आंसू ना हमारे आंखों के पलकों पे रखे हुए, मुझे आंसू बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो खुशी में हो चाहे वो गम में हो, हर मतलब मुझे आंसू आंसू बहुत आते हैं कि इसलिए ना आज इमोशनल हो गए, ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों इमोशनल हो गए। तो यहाँ पर केक कटिंग हुई, सबको केक दिया, और एक बच्चा और आया था, आप लोगों ने देखा होगा शुरुआत में जब हमने केक कट किया था तो वो भी था। तो वो ना गोलू गौरी के साथ पढ़ने आता है, कोचिंग पढ़ने आता है बच्चा, ऑफिस का ही है, इनके ऑफिस से ही आता है, उनके कर्मचारी हैं, उन्हीं के साथ में उन्हीं का बेटा है जो कि कोचिंग पढ़ने बच्चों के साथ आता है, कक्षा 3 में पढ़ता है। और यहाँ पे बस सब ले केक वोक खाया, उसके बाद यहाँ पे पाव सेकने लगे थे। आज ज़्यादा तामझाम नहीं किया केक वोक सेकने के लिए, बीच से कट नहीं किया, इसमें मसाले डाले जाते हैं, धनिया की पत्ती डाली जाती है, कुछ भी नहीं डाला, बस सिंपल सा प्याज भी नहीं काटा हमें। पता नहीं क्यों अजीब सा थकान हो चुका था, हमने सोचा चलो भाई जिस तरीके से बन पड़ रहा है उसी तरीके से सबको खिला देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पाव भाजी में हमने बटर डाला, बच्चों के दे दिया थाली प्लेट, नींबू कट किया था, धनिया की पत्ती थोड़ी सी रखी थी, प्याज होता तो और भी अच्छा होता। और आज इसी के साथ ब्लॉग का एंड करेंगे। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। सबसे ज़्यादा ना मुझे ये गुलदस्ता अच्छा लगा, जो मेहंदी लगवाई थी वो अच्छा लगा, मेहंदी हाथ में इतनी अच्छी रची थी ना, इतना अच्छा लग रहा था, ये अच्छा लग रहा था, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगा। और ये गुलाब दूसरे दिन तीसरे दिन, क्या मैं इसको ना कितने दिन सिरज के रखूँगी कि क्या ही बताएं, ये सूख भी जाएंगे ना तब भी मैं नहीं फेंकूँगी इनको, इतना सिरज के रखूँगी। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, थैंक्स और